हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड हाई स्कूल टीचर यानी कि झारखंड टीजीटी एग्जाम में मैथमेटिक्स से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था झारखंड टीजीटी का, उसका सिलेबस क्या था उसके बारे में डिस्कस किया हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसी सिलेबस के आधार पर पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है सिलेबस में थोड़ा बहुत हेर फेर भी हो सकता है इस बार, लेकिन पिछले बार के सिलेबस के आधार पर मैं आज इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बता दूं कि मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेज के नाम पर, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन में मैं एक झारखंड टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए एक कोर्स चला रहा हूँ जो लाइव सेशन है, ऑनलाइन कोर्स है। यहाँ पर आप मेरे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स में क्या क्या है, मैं क्या अवेलेबल करवा रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ जो प्रत्येक दिन रात को 8 से 9 चलता है। और दूसरा, यहाँ पर जो भी मैं लाइव क्लास लूँगा उसका वीडियो वहाँ पर सेव हो जाएगा, वो आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप किसी कारण से लाइव सेशन में नहीं जुड़े तो बाद में देख सकते हैं, या अगर जुड़े भी हैं और अगर कोई डाउट हो गया या बाद में आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उस क्लास का नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा वहाँ पर। फिर उसके बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फॉर्मेट में, और मैं वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करूँगा जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप टीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 में जो पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ था मैथमेटिक्स का, उसमें दो चीज़ था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 75 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और 75 क्वेश्चन फिजिक्स का था। तो जो 75 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था उसमें ये सभी सिलेबस में था। पिछले बार सेट थ्योरी था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन था, ये दोनों पोर्शन अलजेब्रा में था। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस था, इंटीग्रल कैलकुलस था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D का था, और ट्रिगोनोमेट्री था। ये 7 टॉपिक्स था। हालांकि ये दोनों टॉपिक अलजेब्रा के नाम से लिखा हुआ है तो ये दोनों मिलाकर के आप एक ही टॉपिक कह सकते हैं। अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे इसको हम लोग देखते हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सेट थ्योरी में देखिए, सेट थ्योरी में पिछले बार मात्र 2 क्वेश्चन पूछा गया था और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल यहाँ पर इस टॉपिक से अगर बात करें तो इस टॉपिक से आपको यहाँ पर पूछा गया था 10 क्वेश्चन। ये जो है यहाँ पर इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछा गया था अलजेब्रा से, सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस से टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया था। इंटीग्रल कैलकुलस से वहां पर 13 क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज का ध्यान देंगे, जो सिलेबस पिछले बार का था, जरूरी नहीं है कि एकदम सिलेबस से ही क्वेश्चन हो, टू द पॉइंट सिलेबस से क्वेश्चन हो, ये जरूरी नहीं होता है। सिलेबस से कुछ अलग हट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सिलेबस दिया हुआ है उससे थोड़ा सा अलग हट करके, कैलकुलस का ही होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का, लेकिन थोड़ा अलग हट करके भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है टू द पॉइंट सिलेबस का ही। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पिछले बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2D से, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D से यहाँ पर 10 क्वेश्चन था, ट्रिगोनोमेट्री से 15 क्वेश्चन था। तो ये टोटल आपका 75 क्वेश्चन था और प्रत्येक 2 मार्क्स का होता है। अब रही बात, आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सभी पार्ट से इक्वल क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, किसी से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा तो किसी से 2-3 क्वेश्चन कम पूछा गया था। आप देखिए, ये अलजेब्रा का पोर्शन है, इसमें 10 क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस से 12, इंटीग्रल से 13, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D से 15 और 3D से 10 और ट्रिगोनोमेट्री से 15। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो 2D से और ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन था। ट्रिगोनोमेट्री में जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा अलग हट करके कॉम्प्लेक्स नंबर से भी, ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर डिमॉर्गस थ्योरम पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ जाता है वहाँ पर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बहुत सवाल था और थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था, जो स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है वहाँ पर उस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में। तो ट्रिगोनोमेट्री और 2D ये दोनों से 15 क्वेश्चन था।
3D से 10 क्वेश्चन था, इंटीग्रल कैलकुलस से 13 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कुछ क्वेश्चन था वहां पर, और डिफरेंशियल कैलकुलस से 12। तो आप अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो लगभग आपको देखेगा कि सभी में कम से कम 10 क्वेश्चन तो पूछा ही गया था, और उम्मीद है कि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाली है TGT का, उसमें भी लगभग यही सिलेबस होगा। और इस सिलेबस में ये जरूरी नहीं कि पिछले बार का जो पैटर्न था या जो लेवल था वही लेवल हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा सा हाई भी हो जाए, तो आपको तैयारी जो करना है वो थोड़ा ऊंचे लेवल का करना है, क्योंकि पिछले बार के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देख करके आप उस लेवल की तैयारी करते हैं तो शायद आप फंस सकते हैं। इसीलिए आपको तैयारी थोड़ा सा हाई लेवल का रखना है। अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा जाएगा तो हाई लेवल की तैयारी हमारी रहेगी तो हम लोग जरूर क्रैक कर सकते हैं उस एग्जामिनेशन को। तो आपको सभी पार्ट में, सभी जितने भी टॉपिक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा सिलेबस से हट करके पढ़ने की जरूरत है। अगर आप सिलेबस टू द सिलेबस पढ़ेंगे तो आप उसमें भी फंस सकते हैं। तो सिलेबस से थोड़ा सा हट करके हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, सिलेबस को भी फोकस कर रहे हैं, सिलेबस से थोड़ा सा बाहर भी जा रहे हैं, और लगभग सभी टॉपिक में आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ सेट थ्योरी से आपका मात्र 2 क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, तो सेट थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, इसीलिए सेट थ्योरी से मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स नहीं, ओनली 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी जो 8 क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, तो वो 5 से 10 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर तो आपका 0 से 5 तक होने की संभावना है, यहाँ पर भी आपका 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यहाँ पर इस टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसमें आपका लगभग इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, तो यहाँ से 12 से 17 क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। हालांकि 17 क्वेश्चन किसी भी पार्ट से हो नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा मैक्सिमम ही लेकर के चल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहेगा। 2D में भी आपका 10 to 15 क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावना है। इंटीग्रल 3D में भी आपका 10 to 12 क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावना। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरीके से पिछले बार को इंक्लूड किया है और कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर भी आपका 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये इस बार की संभावना है। अगर सिलेबस यही रहता है, सिलेबस में थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी वो सिलेबस जारी करेगी और वो किस तरीके की सोच रखती है उस पर भी। लेकिन तैयारी अभी हम लोग इसी सिलेबस पर करेंगे और इस तैयारी से कोशिश करेंगे कि जो लेवल था उससे हम लोग थोड़ा सा और आगे लेवल को ले जाए। और मैं पूरी तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, और आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं और मेरा लाइव सेशन को, मेरे कोर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करूँगा और आपका एग्जामिनेशन जरूर मैं क्रैक करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितने तरीके, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं इसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, ये क्वेश्चन आपको कुछ हेल्प करेगा तैयारी करने में। और आज इस वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं TGT का कुछ यहाँ पर क्लास वगैरह का भी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।